ज मी अर्जिता एंड सेशन नंबर पांच है ये आज का पार्ट फाइव इम्पोर्टेंट फाइव हंड्रेड एम सी क्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं यू पी पी सी एस जे के लिए तो लेटमी जस्ट गिव यू एन आइडिया की बेसिकली हमने लेटेस्ट मंथ से यानी कि जनवरी से हमने क्वेश्चन करने चालू किए थे uh, आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके डील करेंगे अक्टूबर मंथ से लेके सेप्टेम्बर तक के तो ठीक है तो लास्ट सिक्स मंथ्स रफली हमने कवर जो है वो कर लिया है एक दो क्लासेस और लगेंगी एंड देन वील बी डन विद दिस करेंट अफेयर्स तो चलो सेशन स्टार्ट करने के पहले गाइज अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप <clears throat> यानी कि आपने मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है एंड इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली मुझसे वहां पे पूछ सके तो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों की यूजर आईडीज यहाँ पे है अगर आप यूज करते हो यू आर अवेलेबल ऑन दीज प्लेटफॉर्म तो प्लीज कनेक्ट विथ मी ओवर देर साथ ही साथ एक बार सेशन के एंड में आई टेल यू अबाउट दी स्टडी आई क्यू के जुडिशरी कोर्सेज इज वेल क्योंकि अभी तो देखो जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं ब्रीफ में पढ़ रहे हैं बट कोर्सेज में वी हैव टॉट मच मोर इन डिटेल बहुत सी चीजें आपको कोर्सेज में प्रोवाइड की जाती हैं तो अगर आप एक स्टेट की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर दी स्टडी आईक्यू जुडिशरी स्मार्ट कोर्स जो कि आपको ये वाला कोड यूज करके ए आर जे मिल जाएगा टेन थाउजेंड फोर नाइन नाइन का अगर आप एक से ज्यादा स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर दी स्टडी आई क्यू जुडिशरी महापैक जिसमें आपको सोलह स्टेट्स का पूरा सिलेबस कवरेज दिया जाता है ओनली इन द प्राइस ऑफ फोर्टीन नाइन नाइन नाइन

कितने विकेट से श्रीलंकन टीम को बीट किया था ओके वाई आर देर नो आंसर कमिंग टूडे आंसर नहीं पता है किसी को डोंट नो चलो ठीक है यू बिंग ऑनेस्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर एट ठीक है तो विमेन्स एशिया कप ने बेसिकली इंडिया की जो टीम है इंडिया की जो क्रिकेट टीम है हमने क्या किया था श्रीलंका को हराया था डिफीट किया था बाय एट विकेट्स मैच कहां पे हुआ था बांग्लादेश में हुआ था वहां का जो स्टेडियम है वहां पे किया जा रहा था प्लेयर ऑफ दी मैच आपकी कौन बनी थी रेणुका सिंह बनी थी प्लेयर ऑफ दी टूर्नामेंट आपकी थी दीप्ति शर्मा तो ये सातवीं बार है जब इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम ने क्या जीता है वुमेन्स एशिया कप आपका जीता है इंडिया की विमेन्स टीम की कैप्टन कौन है हरमनप्रीत सिंह ये ध्यान यहां पर रख लेना चलो Moving on, uh, ये कुछ चीजें हैं about the Women's Asia Cup. तो भाई करवाता है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल चीजें आप देख सकते हो 19 September 1983 में इनको फॉर्म किया गया था headquarters कहां पे है दुबई यूएई uh, में इसके headquarters हैं. तो दिस इज स्टैटिक डेटा दैट यू कैन अ लुक एट मूविंग ऑन टू द्वेश्चन थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स सी स्टेट uh, ने जीते थे हाय सिंधु भान वेरी गुड आफ्टरनून हाय शांतनु थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स कौन सी टीम ने जीते थे ये कुछ दिन पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इससे रिलेटेड मैंने आपको एक चीज बताई थी नहीं द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव ठीक है मैंने थो, थोड़े दिन पहले ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी वाई इज इट डन ऑफ क्योंकि भाई इनमें से कोई भी स्टेट आपका नहीं जीता था जो आपकी कंटेंजेंसी सर्विसेज हैं 36 सिक्स नेशनल गेम्स को जीतने वाले आपके कौन थे कंटेंजेंसी सर्विसेज थी सेकेंड पोजिशन पे आया था आपका कौन महाराष्ट्र फिर हरियाणा उसके बाद कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु ठीक है मूविंग ऑन थर्टी तो सिक्स नेशनल गेम्स बेसिकली आपके करवाए गए थे छह सिटीज में हुए थे ये देश की अहमदाबाद गांधीनगर सूरत वडोदरा राजकोट एंड भावनगर अगला जो थर्टी सेवेंथ एडिशन है यानी कि इस साल के जो थर्टी सेवंथ नेशनल गेम्स होंगे वो आपके कहां पे होंगे गोवा में करवाए जाएंगे इन मंथ ऑफ अक्टूबर ओके <clears throat> मूविंग ऑन तो राजा भलेन्द्र सिंह ट्रॉफी जो है आपकी वो दी गई थी ऑफ सर्विसेज को ठीक है time, है फोर्थ टाइम नेशनल नेशनल गेम्स गेम्स इन्होंने जीता तो जो भी टीम आपके जीतती है नेशनल गेम्स जीतने वाली जो भी आपकी टीम होती है उनको राजा भलेन्द्र सिंह ट्रॉफी जो है वो आपकी दी जाती है तो इस साल किसको दी गई थी कंटिजेंट ऑफ सर्विसेज को दी गई थी जिन्होंने यहां पे टॉप किया था मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, किस फेमस पर्सनालिटी को बेस्ट इंटरटेनर इन द इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड्स दिया गया है बेस्ट इंटरटेनर का अवार्ड किस पर्सन को मिला है प्रभास यश अल्लू अर्जुन विक्की कौशल अल्लू अर्जुन ओके यस करेक्ट आंसर ऋत्विक मिश्रा अल्लू अर्जुन इज द करेक्ट आंसर तो बेस्ट इंटरटेनर ऑफ द अवार्ड का जो अवार्ड है वो किसको गया है अल्लू अर्जुन को गया है मूविंग ऑन नेक्स्ट वन मैंने पहले भी बोला है वंदे भारत इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक वंदे भारत पढ़ के जो है वो जाना ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आ, एक नई वंदे भारत ट्रेन आपकी चालू की थी ठीक है न्यू दिल्ली तक की आम अंदोरा से न्यू दिल्ली तक की ये वाली कौन से नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी जो कि आम अंदोरा से न्यू दिल्ली के रूट पे चलाई गई थी विच कौन से नंबर की वंदे भारत ट्रेन थी सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ओके अंजलि सिंह थर्ड नहीं अंजलि एक नंबर से मिस हो गई आप द करेक्ट आंसर इज फोर्थ तो वंदे भारत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कुछ रूट्स हैं आपके सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन आपकी चालू हुई थी न्यू दिल्ली से वैष्णो देवी फिर दूसरी कब आई थी न्यू दिल्ली से वाराणसी यानी कि बनारस के लिए तीसरी चालू हुई थी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल और चौथी आई थी आम बंदोरा से न्यू डेल्ही के लिए सबसे पहली ट्रेन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की थी कब पंद्रह फरवरी दो में ओके सो पीएम मोदी ने जो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है चौथी नंबर की वो आम बंदोरा से न्यू दिल्ली के लिए लॉन्च की है चौथी वंदे भारत ट्रेन है जो कि देश में हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस की गई थी ठीक है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन साइबर जागरूकता दिवस एक इनिशिएटिव है आपका जो कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जो कि देश की सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए बोलती है तो साइबर जागरूकता दिवस कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है होम अफेयर्स कॉरपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन आशुतोष सिंह इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होम अफेयर्स जो आपकी होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है तो बेसिकली होम साइबर जागरूकता दिवस आप देखते ही नॉर्मल बेसिक जनता ही क्यों ना हो देश की साइबर क्राइम साइबर इश्यूज जो है एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हमारे देश में बन चुका है तो बेसिकली होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया था साइबर जागरूकता दिवस आपका लॉन्च किया था सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये बोलने के लिए कि भैया आप साइबर अवेयरनेस के बारे में जो है चीजें करवाए सो so, साइबर जागरूकता दिवस एक इनिशिएटिव है लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जिसमें बोला गया है कि भाई साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको अवेयरनेस यहां करवानी है हर महीने की वेनेसडे फर्स्ट वेनेसडे को ये ऑब्जर्व किया जाता है अच्छा अब एक ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है इस पे कोई क्वेश्चन बेसिकली आपका नहीं है तो आप सबने देखी हो में जो का रोल प्ले करते थे Coltrane, तो, उनकी हो थी 72. तो आ, अगर इन न्यूज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फेमस पर्सनैलिटीज जिनकी डेथ हुई है तो दिस वॉज वन पर्सन में आपके थे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कंट्री ने एससीओ जॉइंट एंटी टेरर ड्रिल आपका होस्ट किया था एंड टेररिज्म को रोकने के लिए टेररिज्म के बारे में बेटर ऑपरेशंस आपके लेके आने के लिए कौन सी कंट्री थी इंडिया पाकिस्तान रशिया चाइना गाइज ऑल्सो प्लीज लाइक द सेशन वाइल यू आर वॉचिंग द वीडियो प्लीज लाइक द सेशन ऑल्सो देर आर थर्टी पीपल वॉचिंग बट देर आर ओनली ट्वेल लाइक वाई आर यू नॉट लाइकिंग द सेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ अगर नहीं आ रही है सेशन तो प्लीज शो इट बाई प्रेसिंग द लाइक बटन ठीक है तो बेसिकली भारत ने करवाई थी एस सीओ एससी का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से फटाफट बताओ हाई रोहन त्रिपाठी वट इज दुल ऑफ एस सी ओ वॉट डू मीन बाय एस सीओ क्या है एस सी ओ लेट्स सी हु कैन टेल मी फर्स्ट द फुल फुल फॉर्म नेम ऑफ बेसिकली है क्या आपका इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे ये मैंने बता दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ही अब जल्दी से नाम बताओ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है तो आ, इंडिया ने उसी ग्रुप के साथ मिलकर एक एंटी टेरर ड्रिल आपका जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया था इंडिया में ऑर्गेनाइज करवाने वाली कौन थी द ब्लैक कैट्स एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे हम बोलते हैं तो इन्होंने ये एंटी टेरर एंटी टेरर ड्रिल टेररिज्म को रोकने के लिए जो है या टेररिज्म को रोकने के लिए क्या बेटर तरीके आपके लाए जा सकते हैं ये एनएसजी ने होस्ट करवाया था इंडिया की तरफ से मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन देश का कौन सा एयरपोर्ट मैक्सिमम यानी कि मेजोरिटी ऑफ द एरियाज में ग्रीन एनर्जी सोर्सेस पे शिफ्ट कर चुका है यानी 95 परसेंट अपनी आ, जो है वो एयरपोर्ट की एनर्जी कहां से ले रहे हैं हाइड्रो और विंड पार से ले रहे हैं और पांच परसेंट सोलर पार से लिया जा रहा है कौन सा है वो देश का इकलौता एयरपोर्ट यस मिस फिट नेहा शर्मा करेक्ट आंसर इट शाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद बेंगलुरु नहीं द करेक्ट आंसर अरे ये क्या हो गया उप्स सॉरी द करेक्ट आंसर इज मुंबई ठीक है तो मुंबई का जो इंटरनेशनल uh, एयरपोर्ट है दैट इज द एयरपोर्ट जो कि कंप्लीटली अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कहां से कर रहा है हाइड्रो विंड यानी कि हवा पानी हवा और सोलर पार्क को जो है उस पर कंप्लीटली ये लोग वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से प्लेटफॉर्म ने प्ले पॉइंट रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया भारत में यानी कि अगर आप कुछ डाउनलोड करोगे आप किसी ऐप वगैरह को यूज करोगे किसी प्लेटफॉर्म को आप यूज करोगे तो वहां पे आपको कुछ पॉइंट्स एज पॉइंट दिए जाएंगे यस शोभित करेक्ट आंसर इट इज गूगल तो गूगल ने ये प्ले पॉइंट्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया आपका बेसिकली जो गूगल का प्ले स्टोर होता है ठीक है तो अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप परचेज करते हो कोई भी गेम आपने डाउनलोड किया किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया तो वहां पे आपको चार कैटेगरीज में अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड दिए जाते हैं जिससे आप इन रिवॉर्ड्स को बाकी एप्स को परचेज वगैरह करने में यूज कर सकते हो ओके मूविंग ऑन नितिन गडकरी ने पहली पहले तो ये बताओ नितिन गडकरी है कौन सबसे पहले तो ये बताओ बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन हु इज नितिन गडकरी इन्होंने इंडिया की पहली फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च की थी बट फर्स्ट टेल मी हु इज नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बीजेपी के तो हैं ऑब्वियसली रोड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, यानी कि इनका काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है बीजेपी मिनिस्ट्री में काफी अच्छा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया है देश में हाईवेज के सेंस में रोडवेज वगैरह के सेंस में ठीक है तो नितिन गडकरी ने बेसिकली इंडिया में सबसे पहली कार जो आई है फ्लेक्सी फ्यूल करके यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक से पेट्रोल डीजल वगैरह पे स्विच कर सकते हो ठीक है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया में लॉन्च की गई कौन सी थी वो कोरोला कोरोला ठीक है है जो कार है, वो उसको देश में लॉन्च किया था नितिन गडकरी ने फ्लेक्सी फ्यूल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पे भी चल सकती है प्लस आप उसको इलेक्ट्रॉनिक करके चलना बंद हो गया तो यू कैन स्विच इट टू पेट्रोल और डीजल ऑल्सो ठीक है तो दिस इज द कार बेसिकली टोयोटा की जो कोरोला एल्टिस है फ्लेक्सी फ्यूल कार है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड देश में लॉन्च की गई है तो बेसिकली uh, ये देखने के लिए उसको लॉन्च किया गया था कि क्या इस तरीके की गाड़ियां देश में चलाई जा सकती हैं क्या तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स चलाने वाले आपके और भी देश हैं जैसे कि ब्राजील यूएसए कैनेडा वहां पर भी इस तरीके की गाड़ियां जो है वो आपकी बनाई जाती हैं चलाई जाती है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ये छोड़ देते हैं लेकिन स्किप दिस ओके कमिंग टू नेक्स्ट हॉलीवुड के कौन से एक्टर ऐसे पहले एक्टर बनने वाले हैं दुनिया के जो कि आउटर स्पेस में जाके शूट करेंगे Who is that Hollywood actor? और fact, बोलना चाहिए the very first actor जो Hollywood, जो कि कि आउटर स्पेस में मूवी की शूटिंग करेंगे। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर टू इज दी करेक्ट आंसर ठीक है तो हॉलीवुड के जो एक्टर हैं टॉम क्रूज पहले ऐसे एक्टर होंगे जो कि अपनी मूवी की शूटिंग कहां पे जाके करने वाले हैं आउटर स्पेस में करने वाले हैं ओके okay?

नो इट्स 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 नॉट नॉट सुनील गावस्कर बिनी ठीक है काफी अगर आपने मूवी देखी हो 83 जो कि रणवीर सिंह ने बनाई थी उसमें भी इसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल आपका बताया गया है तो रॉजर बिनी जो है दैट इज रॉजर बिनी नाइनटीन एटी के वर्ल्ड कप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा था इन्होंने रिप्लेस किया है सौरभ गांगुली को एज दी बीसीसीआई प्रेसिडेंट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कमीशन हेड करने वाले हैं इंडिया में जो कि एससी स्टेटस के बारे में देखेगी कि क्या नॉन हिंदू दलित को एससी शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जाना चाहिए हु इज दैट एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्पेस में जाके शूटिंग करना कोर्स इट्स पॉसिबल वाई नॉट रॉकेट में जाके कर सकते हैं या फिर आयरन सैटेलाइट वगैरह के थ्रू कर सकते हैं मुकेश केजी जी बालाकृष्णन ओके, okay. बिल्कुल सही मुकेश शोभित मिसफिट एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर इट इज केजी बालाकृष्णन तो केजी बालाकृष्णन बेसिकली एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने क्या किया है तीन मेंबर्स की क्या बनाई है कमीशन बनाई है जिसे हेड करेंगे केजी बालकृष्णन इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं तो कमीशन को बेसिकली देखना ये है कि भाई आज जो नॉन हिंदू दलित्स हैं आपके क्या उनको शेड्यूल कास्ट का टैग क्या उनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए कि नहीं ये इस कमीशन का काम है यहाँ पे ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केड कास्ट ऑर्डर 1950 है वो ये चीज बोलता है कि no Hinduism, caste, uh, 56 मिलियन इंडियंस 2020 के बाद से गरीब हो गए पुअर हो गए पैंडेमिक की वजह से यानी कि कोविड की, की वजह से ये किस रिपोर्ट ने बताया है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एनडीबी छप्पन मिलियन इंडियंस 2020 कोविड के के आने के बाद दो आने के बाद गरीबी रेखा में चले गए पुअर हो गए किस रिपोर्ट ने ये चीज बताई है बिल्कुल सही अंजलि एंड शांतनु करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके हिसाब से 56 मिलियन इंडियंस पुअर हो गए पैंडेमिक के बाद कोविड के बाद फॉर मल्टीपल रीजन नेक्स्ट वन इंडिया की फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी कहां पे ओपन की गई है कुरुक्षेत्र हमीरपुर त्रिची या फिर श्रीनगर हाय फेमस जुडिशरी लॉन्ग टाइम लॉन्ग टाइम नो सी इट्स बिन इट्स बिन लॉन्ग टाइम आई सॉ यू इंडिया की फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी कौन से एनआईटी में इनोग्रेट की गई है ओके okay. <clears throat> यस yes, श्रीनगर शोभित करेक्ट आंसर एनआईटी श्रीनगर में इस फैसिलिटी को आपके इनोग्रेट किया गया है ठीक है तो ये आ, है आपका एनआईटी तो इंडिया की पहली जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी है उसे एनआईटी श्रीनगर में लॉन्च किया जा रहा है ग्रीन टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रमोट करने के लिए ओके नेक्स्ट वन कौन से देश की पार्लियामेंट ने अडॉप्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल चार्जर रूल लेके आया है यानी एक ही टाइप की चार्जिंग फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड की जाएगी एक ही टाइप के चार्जर्स आपके यूज किए जाएंगे किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए कौन से देश की पार्लियामेंट ये लेके आई है वर्ल्ड का पहला सिंगल चार्जर रूल क्यों क्या वाई वा यू गोइंग शांतनु वॉट द करेक्ट आंसर जर्मनी आशुतोष सिंह जर्मनी ठीक है

ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अच्छा अब कुछ स्टैटिक चीजें तो आई डोंट नो स्टैटिक के लिए वॉट रेफरिंग ठीक है वैसे तो लूसेंट की जो बुक है वो पढ़ी जाती है फॉर जी के जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपी पी सी एस जे में तो ये जो आ, ये जो डेटा होता है इस तरीके का यू नो स्टैटिक में कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम क्या है इंडिया का हाइएस्ट डैम क्या है ठीक है आ, इंडिया की सबसे लंबी रिवर क्या है इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है लार्जेस्ट बीच कौन सा है तो ये सारी चीजें भी देख लेना क्योंकि किसी ना किसी रीजन की वजह से ये रिवर्स या डैम वगैरह आपके न्यूज में रहते हैं तो स्टैटिक का क्वेश्चन भी वहां से बन सकता है तो आई थॉट की जल्दी से दो मिनट के लिए ये भी देख लेते हैं स्टैटिक पार्ट तो देखो लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है दैट इज द हीराकुड डैम ठीक है जो कि उड़ीसा में है आपका उसके बाद हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है दैट इज द हरी गढ़वाल डैम जो कि आपका उत्तराखंड में है यूके में है ठीक है नेक्स्ट इज लार्जेस्ट फ्रेश वॉटर लेक इंडिया की कौन सी है दैट इज दी वुलर लेक पे है ये जम्मू एंड कश्मीर में झेलम रिवर से कनेक्टेड है ये आपकी देन इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है दैट इज दी मरीना बीच जो कि आपका चेन्नई में है इंडिया का सबसे बड़ा रिवर ब्रिज इज भूपेन हजारिका सेतु जो कि लोहित रिवर के ऊपर बनाया गया है एंड इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल आपका कौन सा है uh, कुंशी रेनफॉल जो कि आपका कर्नाटका में है ठीक है तो ये स्टैटिक चीजें भी देख लेना गुड चांस ये पूछी जा सकती है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तो दैट इज हुबाली जो कि कोलकाता में है एंड इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है दैट इज दी मजुली रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया है इन दी आसाम एरिया सो दिस इज दी मैप ओके okay. अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट प्राइज एक और इंपॉर्टेंट अवार्ड uh, जो है आपके दिए गए थे 2022 में दैट इज नोबेल प्राइज अब नोबेल प्राइज में एक चीज ध्यान रखना कि इसमें कोई भी uh, वो नहीं होता है पिक एंड चूज नहीं है कि नोबेल प्राइज में यही आ सकता है यही नहीं आ सकता नोबेल प्राइज के जितने अवार्ड हैं वो सारे ही आपको पता होने चाहिए तो इफ यू वॉन्ट इस स्लाइड uh, की एक पिक्चर ले लो ठीक है नोबेल प्राइज मेडिसिन फिजियोलॉजी में किसको दिया गया केमिस्ट्री में किसको दिया गया फिजिक्स में किसको दिया गया लिटरेचर में किसको दिया गया पीस का किसको दिया गया है ये सारे अवार्ड्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है ठीक है तो नोबेल प्राइज इज वन थिंग जितनी कैटेगरीज में दिया जाता है पीस इकोनॉमिक्स लिटरेचर फिजिक्स केमिस्ट्री सारी कैटेगरीज आपको यहां पे करके जानी है ओके मूविंग ऑन अच्छा ये क्वेश्चन आई थिंक कल किसी ने बोला था आई थिंक शोभित नहीं बोला था तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है किसका शक्कर चाइना यूएसए रशिया ब्राजील मिस फिट का, का? करेक्ट आंसर आ चुका है सबसे पहले करेक्ट आंसर इज ब्राजील ठीक है तो इंडिया बेसिकली क्या बन चुका है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड आई थिंक हम लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं शक्कर के मतलब बनाते भी हम सबसे ज्यादा हैं और खाते भी हम सबसे ज्यादा हैं ठीक है तो जो शुगर सीजन था शुगर प्रोड्यूसिंग सीजन था 2021 22 का उसके हिसाब से बेसिकली भारत जो है देश बन चुका है सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला एंड आई थिंक सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला भी भारत ही है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेकंड रीजनल मीटिंग आपकी करवाई थी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कहां पे ये मीटिंग करवाई गई थी कल नहीं आशुतोष परसों किया है हमने ओवरटेक चाइना को दिसपुर दीमापुर गुवाहाटी गैंगटॉक कहां पे ये सेकंड रीजनल मीटिंग आपकी करवाई गई थी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी को रोकने के लिए सर्वेश लाल चंद्र सिंग गुवाहाटी नो दिस पुट यस सम्राट गोयल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर द आंसर इज गुवाहाटी तो ये मीटिंग आपकी ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर गुवाहाटी में करवाई गई थी नेक्स्ट वन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नौ मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बनाई थी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट को लेके इस प्रोजेक्ट के अंदर में आपके कितने चीताज ना, नामीबिया से देश में लाए गए थे पीएम मोदी ने उनको निकाला भी था उनके पिंजरों से काफी वायरल भी हुआ था वो वीडियो आपका तो कितने चीताज इस प्रोजेक्ट के अंदर में नामीबिया से लाए गए थे फेमस मिसफेट आशुतोष करेक्ट आंसर तो इन टोटल बेसिकली आठ आठ चीताज जो है वो आपके नामीबिया से लाए गए थे अंडर दी चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट नौ मेंबर्स की टास्क फोर्स इसमें बनवाई गई थी ओके ये रिपीट हो गया है नेक्स्ट वन मैक्स वर्स्टैपिन वर्ल्ड के चैंपियन बने हैं फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो कौन सा टूर्नामेंट जीत के इन्हें ये टाइटल वर्ल्ड चैंपियन फॉर द सेकंड टाइम दिया गया है सिंगापुर ग्रैंड प्री जापान मोनाको रशियन एमपी में लाए है ना मैम इसलिए बन गया हाँ एमपी में लाए गए थे ऑफ कोर्स हाँ नहीं फेमस तो वो इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी ने उनको लॉन्च किया था यस द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर तो

इंडिया की कौन सी फेमस विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जिनको चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है अंजलि इट्स नॉट दिया मिर्जा इट्स नॉट रश्मिका मंदाना यस रोहन एंड सम्राट गोयल करेक्ट आंसर इट इज सृष्टि बक्शी ठीक है तो दिस इज सृष्टि बख्शी वीमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं भारत की जिन्हें चेंज मेकर ऑफ द अवार्ड दिया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड जो आपके हुए थे कहां पे जर्मनी में अब बेसिकली ये काम क्या करती हैं तो uh, इन्होंने जेंडर बेस्ड जो वायलेंस किया जाता है जेंडर इनिकवालिटी जो है उसके लिए ये फाइट करती हैं उससे रिलेटेड ये एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं जिसके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है नेक्स्ट uh, वन कौन से सिंगर और शैलेंद्र सिंह एंड प्लस आनंद मिलंद इनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड आपका दिया जा रहा है द ब्लैंक्स शैलेंद्र सिंह आनंद मिलिंद प्लस और कौन से सिंगर हैं जिनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड आपका दिया गया है शादियों में नाचे बहुत हो गए आप इनके गाने पे बारात वगैरह में बहुत चलते हैं इनके गाने नो इट्स नॉट सोनू निगम इट्स नॉट इट्स नॉट सोनू निगम इट्स यस शोभित सिंह करेक्ट आंसर मीनाक्षी वर्मा करेक्ट आंसर इट इज कुमार सानू ठीक है तो कुमार सानू को यहाँ पे कुमार सानू प्लस आ, आपके आ, कुमार सानू शैलेंद्र सिंह एंड आनंद मिलिंद ये तीन लोग हैं जिनको आपका नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है तो आ, आफ्टर लता मंगेशकर जी डाइड ये अवार्ड बनाया गया था उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 28 सितंबर उस दिन ये अवार्ड आपका दिया जाता है मूविंग ऑन टू तो नेक्स्ट वन गवर्नमेंट uh, ने डेली हाईकोर्ट के कौन से जस्टिस को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ यूएपीए ट्रिब्यूनल बनाया है नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यूएपीए अगेन एक ऐसा लॉ है एक ऐसा एक्ट है जो कि आपका पिछले दो तीन साल से बहुत ज्यादा न्यूज में है बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट यूएपीए आपका लगाया गया है तो उसके इन चीजों को देखने के लिए ही यूएपीए से रिलेटेड ये आपका ट्रिब्यूनल बनाया गया था चे... चैंटी सिंह आई होप सर्वेश लाल यहाँ द करेक्ट आंसर इज दिनेश कुमार शर्मा ठीक है तो दिनेश कुमार शर्मा जी की मैं फोटो दिखा देती हूँ so, एक कमीशन uh, एक ट्रिब्यूनल का पार्ट यहां पे बनाया गया है तो so, बेसिकली अभी कुछ टाइम पहले जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था फेमस हुआ था मतलब आ, उन्होंने जो एक्टिविटीज वगैरह की थी उनके ऊपर यूएपीए वगैरह लगाया गया था ऐसी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग हैं जिनपे यूएपीए लगा के या तो उन्हें बैन किया गया है ठीक है या फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है तो इस तरीके के जितने लोग हैं उसको रिव्यू करने के लिए ये ट्रिब्यूनल आपका बनाया गया था मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन फॉरमर जर्मन चांसलर एंजला मार्केल ने जीता है ननसेन रिफ्यूजी अवार्ड कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड देती है यूनेस्को यूनिसेफ यूएनएचसीआर यूएनजीए एब्सोल्युटली करेक्ट उस क्वेश्चन को आप निगेट आउट करके भी कर सकते थे बाकी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। एक ही ऑप्शन था जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को नानसिन रिफ्यूजी अवार्ड आपका दिया गया है कौन सी आ, मुकेश गौर सर्वेश गुलनावी यस करेक्ट आंसर गाइस द करेक्ट आंसर इज यूएनएचसीआर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएचसीआर यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म क्या है फटाफट लेट्स सी गेट्स इट करेक्ट यस ऋतुराज मिश्रा करेक्ट आंसर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएचसीआर क्या करती है यूएनएचसीआर बट दैट इज नॉट द फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स के जो वायले वायलेशन होते हैं बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री में हो रहे हो उसके अगेंस्ट उसको हटाने के लिए अवेयरनेस वगैरह लाने के लिए यूएन हाई कमीशन वर्क्स नेक्स्ट वन कौन सी कंट्री ने बिडिंग जीता है और वो अपने आप होस्ट करवाएंगे दो के एशियन विंटर गेम्स एक डेजर्ट में एशियन विंटर गेम्स कहां हो रहे हैं डेजर्ट में हो रहे हैं रेगिस्तान में करवाए जा रहे हैं विच विच कंट्री यूएई सऊदी अरेबिया क्वेत ओमान राजलक्ष्मी इट्स नॉट क्वेत थ्री इज नॉट द करेक्ट आंसर यस शांति सिंह करेक्ट आंसर इट इज सऊदी अरेबिया तो सऊदी अरेबिया ने बेसिकली बिडिंग जीती है एंड बिडिंग के बाद अब ये दो का जो एशियन विंटर गेम्स होगा वो करवाएंगे आई डोंट नो हाउ कि इतनी गर्मी पड़ने वाले देशों में विंटर गेम्स किस तरीके से आपके करवाए जा सकते हैं ठीक है तो इसके लिए इनको पूरा एक स्पोर्ट्स uh, कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा पैसा तो है ही इन लोगों के पास बहुत जैसा कि हमने फीफा में भी देखा कि कतर वर्ल्ड कप भी आपका होस्ट करवा ही दिया गया था ठीक उसी तरीके से सऊदी अरेबिया ये भी कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही लेगा नेक्स्ट वन अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ीज हैं उनके लिए कौन सा स्टेटस अनाउंस किया है एबीसी एस सी एस टी ईडब्ल्यू एस कौन सा स्टेटस दिया गया है जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ग्रुप को जो पहाड़ी कम्युनिटी होती है नॉट ओबीसी यस सम्राट गोयल सम्राट सर्वेश रोहन शोभित करेक्ट आंसर तो स्केड्यूल ट्राइब स्टेटस बेसिकली अमित शाह ने दिया है किसको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया कि जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ी कम्युनिटी है उन्हें यानी कि ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा और एस के जो जो रिजर्वेशन है वो भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये सारे स्टेप्स आपके क्यों किए जा रहे हैं थ्री आर्टिकल जो कि आपका अबॉलिश हुआ था दो में उसके बाद से अलग अलग कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज करके रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए उनको ये कैटेगरी uh, में डाला जा रहा है नेक्स्ट uh, वन कौन से इंटरनेशनल ग्रुप ने इंडिया के 50 एक्सक्लूसिव हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स की लिस्ट निकाली है मतलब इंडिया में जो मेड इन इंडिया हेरिटेज टेक्सटाइल आपका बनाया जाता है इंडियन हेरिटेज यानी कि काफी सालों से इंडिया में वो टेक्सटाइल क्राफ्ट्स आपके बनाए जा रहे हैं पचास ऐसी टेक्सटाइल क्राफ्ट की लिस्ट uh, कौन से ग्रुप ने निकाली है द करेक्ट आंसर इज यूनेस्को यस सर्वेश रोहन गुलनावी करेक्ट आंसर यूनेस्को ने बेसिकली निकाली है सो दिस इज द लिस्ट लिस्ट तो तुमसे पूछेंगे नहीं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अगर आपको देखना है तो यू कैन सी अब इसमें मैक्सिमम चीजें वॉट आई नोटिस वॉज उत्तर प्रदेश की भी काफी सारी चीजें हैं जिसे इस लिस्ट में डाला गया है मूविंग मूवेगॉन uh, कौन से देश ने अपने कैपिटल का नाम बदल के नूर सुल्तान से बैक टू अस्ताना कर लिया है लॉ स्टडीज स्टडीजीज करेंट अफेयर सेशन सफिशियंट फॉर यूपी पी जे देखो यार आ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी आई वोंट मेक एनी स्टेटमेंट लाइक दैट कि करंट अफेयर आएगा तो इसमें से ही आएगा बट ये मेरे निकाले हुए 500 सौ क्वेश्चन हैं पिछले छह महीने के मैं एक साल का तो

ठीक है द करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान चैंटी सिंह एंड शोभित सिंह दी करेक्ट आंसर तो कजाकिस्तान का नाम बेसिकली कैपिटल सिटी का नाम बदल के नूर सुल्तान किया था कब दो हजार उन्नीस में ठीक है फिर अभी जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है उन्होंने वापस से अनाउंस किया कि भाई वापस से आ नूर सुल्तान से बदल के इसको क्या कर दिया जाएगा अस्ताना जो कि पहले था कैपिटल वही कर दिया जाएगा नेक्स्ट वन रोहन बोपन्ना एंड मातवे कूप ने मेंस डबल टाइटल जीता एट द एटीपी 250 फिफ्टी टेल अवीव वॉटर जेन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहां पे हुआ था ये टूर्नामेंट नीदरलैंड्स रशिया इजरायल टर्की द करेक्ट आंसर इज is इजरायल ठीक है तो इसराइल में ये टूर्नामेंट आपका किया गया था ना दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक आपके इंडियन प्लेयर हैं इसमें तो इंडो डच ग्रुप था ये आपका बेसिकली इन्होंने मेक्सिकन अर्जेंटीना के ग्रुप को हराया था यहाँ पे uh, इस टूर्नामेंट में दिस यू कैन स्किप मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन अडानी ग्रुप ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट देश में कहां पर इंस्टॉल करवाया है Uh, नहीं लॉ स्टडीज आई हैव अनाउंस दिस पहले ही आई वॉन्ट बी शेयरिंग एनी पीडीएफ बिकॉज आई होप यू अंडरस्टैंड देर आर कॉपी राइट इशूज एनी बडी कैन कॉपी एट एंड कोई भी करा सकता है अपना मटीरियल क्लेम करके एंड सिंस दिस इज माई वर्क दिस इज माई दीज आर माई क्वेश्चन तो इसलिए फिर आई डोंट वॉन्ट इट टू गो आउट यस, करेक्ट आंसर इज जैसलमेर तो जैसलमेर में अडानी ग्रुप ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलार पावर प्लांट जो है आपका इंस्टॉल करवाया है सो दिस पावर प्लांट ठीक है अडानी ग्रीन एनर्जी जो है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलार प्लांट 600 मेगावाट की कैपेसिटी का जैसलमेर में इंस्टॉल करवाया है नेक्स्ट वन <clears throat> कौन से स्टेट आ, का एक शहर है पुलमपारा वो बन चुका है फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत ऑफ दी स्ट्री जी की अगर आपने पढ़ा है तो इट बी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन कौन से स्टेट में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट होता है बस वही आपका आंसर है यस मुकेश गौर मिसफिट ऋत्विक मिश्रा करेक्ट आंसर तो भाई केरला इज द स्टेट इन इंडिया जिसमें हाइएस्ट लिटरेसी रेट है ठीक है तो केरला के ही जगह है पुलमपारा का जो गांव है वो फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत आपका बन चुका है ओके okay? फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप यूएसए ने चाइना को हराया वर्ल्ड टाइटल जीतने के लिए कहां पे हुआ था ये विमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप आपका यूएसए चाइना कैनेडा ऑस्ट्रेलिया कहां पे करवाया गया था ये वर्ल्ड कप विमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप

अब इसके बारे में कुछ स्टैटिक चीजें हैं आपकी तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है आपका दैट इज ऑर्गेनाइजेशन जो कि विमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप आपका करवाता है दे वर फाउंड हैलैंड द करेंट प्रेसिडेंट इज हमाने नियांग एंड द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन सेक्रेटरी जनरल इज ऑल दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल दीज डेटाज आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑल यू नीड टू नो इज ये देख लेना और ये देख लेना कि ठीक है कि फाउंड कब हुआ था अगर क्वेश्चन बनता है तो एंड हेडक्वार्टर कहां नेक्स्ट वन वर्ल्ड का सिक्स रेड स्नूकर टूर्नामेंट जीतने वाले एक इंडियन पर्सन थे दैट इज uh, श्री कृष्णा सूर्य नारायण इन्होंने जीता है वर्ल्ड सिक्स रेड स्नूकर टाइटल कहां पे कंडक्ट करवाया गया था ये मैम आई पुट मैसेज ऑन योर टेलीग्राम चैनल ग्रुप इज इट ब्लॉक्ट शोबेत यार पता नहीं आई एम आई एम तो टीचिंग हेर आई कांट सी सेशन के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा आई डोंट नो मैंने अभी टेलीग्राम खोला नहीं है बहुत देर से या सो करेक्ट आंसर इज मलेशिया तो वर्ल्ड सिक्स ने रेड स्नूकर बेसिकली आपका मलेशिया में कंडक्ट करवाया गया था जीतने वाले इंडियन पर्सन थे इसलिए दिस क्वेश्चन गेट्स तो इंपॉर्टेंट श्री कृष्ण सूर्य नारायण जो है उन्होंने ये टूर्नामेंट आपका जीता है नेक्स्ट वन इलेक्शन कमीशन ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये ध्यान रखना इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है एक ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम यानी साल भर ये वोटिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब ऑल इंडिया रेडियो पी या फिर व्हाट्सएप थैंक यू अंकित थैंक यू ओके लेट मी सी यादव जीतकांत आशुतोष आर्यन दुबे करेक्ट आंसर सो इट इज ऑल इंडिया रेडियो जहां पे इलेक्शन कमीशन ये ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम आपका करवाया करवाएगा तो देखो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का नाम बेसिकली क्या है इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है मतदाता जंक्शन साल भर चलन, चलने वाला एक ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम है तो इसमें बावन एपिसोड आपके पंद्रह मिनट के ब्रॉडकास्ट जो है वो किए जाएंगे ठीक है 23 लैंग्वेजेस में 23 लैंग्वेजेस में इसको करवाया जाएगा ताकि देश का एक-एक पर्सन जो है वोटिंग के बारे में अवेयर हो पाए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने जो फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी आप जानते ही होंगे उनको मूवीज से उनकी उनको नेशनल आइकन भी बनाया गया है इलेक्शन कमीशन का पहले वो स्टेट आइकन थे यानी पहले बिहार सरकार ने आ, बिहार गवर्नमेंट ने उनको अपने स्टेट का इलेक्शन आइकन बनाया हुआ था बाद में इलेक्शन कमीशन ने इनको प्रमोशन देके देश का नेशनल आइकन बना दिया है इलेक्शन कमीशन का तो पंकज त्रिपाठी ये चीज ध्यान ध्यान रखा दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ दिस इज सम स्टैटिक डेटा कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता होने चाहिए इलेक्शन कमिश्नर कौन है वो आपको पता होना चाहिए टू यू कैन स्किप दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन अच्छा अब एक और डेटा आपका हर साल जो कि आता है क्लीनेस्ट सिटी का नाउ आई एम वेरी प्राउड सिंस आई एम फ्रॉम एमपी ठीक है कि भाई इंदौर जो एमपी का शहर है वो सिक्स टाइम टाइम से इंदौर जो है उसने क्या जीता है क्लीनेस्ट सिटी का जो टैग है वो जीता है ठीक है फर्स्ट पे आपका इंदौर है सेकेंड पे सूरत है बट सेकेंड नो बडी केयर्स अबाउट तो फर्स्ट जो है आप ध्यान रखना कि इंदौर हैज़ बीन द क्लीनेस्ट सिटी ठीक है आ, हरिद्वार को भी एक मिला है आपका तो हरिद्वार जो है उत्तराखंड में बेस्ट गंगा टाउन करके भी एक कैटेगरी होती है इसमें ठीक है कि बेस्ट जहां -जहां से गंगा नदी आपकी बहती है गंगा घाट जहां जहां पे है तो बेस्ट गंगा टाउन आपका कौन सा था दैट वाज हरिद्वार इन उत्तराखंड उसके बाद बनारस एंड देन ऋषिकेश ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट तो भाई पुराने सीडीएस के साथ जो बहुत ही दुख भरी घटना हुई थी उसके बाद देश के नए चीफ डिफेंस स्टाफ आपके बनाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान इन्होंने ज्वाइन की थी गोरखा राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी इन नाइनटीन एटी वन विच कौन सी गोरखा राइफल्स को ये बिलोंग करते हैं पहले तो ये बताओ सीडीएस होता क्या है हु हु क्यों बनाई गई थी ये पोजीशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 2019 या फिर 2020 के स्टार्टिंग में आई थिंक इंडिपेंडेंस डे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि एक नई पोजीशन आपकी बनाई जाएगी दैट इज गोइंग टू बी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो तो मैंने फुल फॉर्म तो बताई दिया यार uh, ये बताओ मतलब वॉट इज सी क्यों बनाया गया था ये कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी तीनों आर्मी एयर आपका एयरफोर्स आपकी नेवी एक ऐसा पर्सन जो कि तीनों को हेड करेगा कंबाइंड फोर्सेस को हेड करेगा दैट इज योर सीडीएस तो आज से दो तीन साल पहले इंडिपेंडेंस डे पे पंद्रह अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि भाई इस तरीके की एक पोजिशन देश में बनाई जाएगी ठीक है तो इलेवेंथ गोरखा राइफल्स को बिलोंग करते हैं करेंट सी ऑफ द कंट्री दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन सीनियर एडवोकेट आर वेंकटा रमानी हैज बीन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अब पहले मेरा क्वेश्चन आंसर करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया फोर्टींथ

डिसाइड कर लो भाई सेवेंटी एट की सेवेंटी सिक्स एंड हुई अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सीनियर एडवोकेट आर वेंकटर रमानी जो है उनको सिक्सटींथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है ओके नेक्स्ट वन अच्छा इसमें आंसर ही दिया हुआ है अच्छा गाइस अन इंपॉर्टेंट न्यूज क्योंकि यूपी से रिलेटेड है ये न्यूज आपकी तो भाई उत्तर प्रदेश ने जीता था क्या आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 का किससे डील करता है ये मैंने पहले भी बताया था आयुष्मान भारत स्कीम जो है आपकी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है दो तीन साल में और इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज ऑफ कोविड तो ये आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड आपका उत्तर प्रदेश स्टेट को दिया गया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज एड करी अंडर दी आयुष्मान भारत स्कीम इन दी इन दी इन कंट्री ठीक है तो उत्तर प्रदेश देश का सेकंड स्टेट है आंध्र प्रदेश के बाद जिन्होंने दो करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स अपने स्टेट में खुलवाए हैं तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है देख लेना क्योंकि अवार्ड जीतने वाला आपका यूपी स्टेट था नेक्स्ट वन इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज़ ऐसे अकेले भारतीय हैं जो कि टाइम्स हंड्रेड इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में गए हैं मुकेश अंबानी गौतम अडानी शिव नादर आकाश अंबानी आई गिव यू हिंट कल इनके भाई की सगाई हुई है या इन्हीं की सगाई हुई है आई डोंट नो इन्हीं इनकी सगाई हुई है इनके भाई की सगाई हुई है आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज अडानी नहीं है यार अडानी के भाई की थोड़ी ना सगाई हुई है इनके भाई की कल सगाई हुई है या इनकी सगाई हुई है आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन दी अंबानी किड्स आकाश अंबानी बिल्कुल सही द करेक्ट आंसर इज आकाश अंबानी ओके सो आकाश अंबानी इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आ, आया है ओके अच्छा आकाश अंबानी की हुई है क्या? आई डोंट नो आकाश अंबानी की हुई होगी ठीक है तो बेसिकली इस लिस्ट में हंड्रेड इमर्जिंग लीडर्स का नाम आता है आ बिजनेस फील्ड के एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स हेल्थ साइंस एक्टिविज्म इन सारी फील्ड्स को ये लिस्ट आपका कवर करता है ओके नेक्स्ट वन डेथ ऑफ जयंती पटनायक फॉर्मर एमपी एंड फर्स्ट चेयर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन स्टेब्लिश कब हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर करो फिर आल गिव यू अ वेरी लेटेस्ट करंट अफेयर जो कि आपसे कुछ घंटों पहले ही आया था उस पर मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगी शाम को। अरुण uh, यादव करेक्ट आंसर 1992 में इनको स्टैब्लिश किया गया था ठीक है अच्छा हाँ मैं न्यूज ये बता रही थी कि जो डेली कमीशन ऑफ वुमेन की जो हेड है आई एम फॉरगेटिंग हर नेम एस से कुछ चालू होता है तो डीसीडब्ल्यू की जो हेड है डेली कमीशन फॉर वुमेन अभी से कुछ देर पहले खबर आई थी कि भाई डेली कमीशन फॉर वुमेन जो है जो महिलाओं के लिए काम करती हैं किसी ने उनको ही मोलेस्ट कर दिया एंड अपेटली जैसे कुछ दिन पहले कांजा वाला इंसिडेंट आपका आया था कि एक लड़की को ड्रैग किया स्वाति मालेवाल थैंक यू तो स्वाति मालेवाल को किसी ने मोलेस्ट कर दिया एंड जैसे कि कुछ टाइम पहले कांजा वाला इंसिडेंट आपका आया था कि कैसे एक लड़की को बहुत देर तक ड्रैग किया गया गाड़ी में ट्रक में फंसा के ठीक उसी तरह कुछ इंसिडेंट इन्हीं के साथ भी हुआ है आई थिंक कल रात में कि जहां पे इनको भी 10-15 मीटर तक एक गाड़ी ड्रैग करके लेके गई है तो इस इसपे भी आज हम एक वीडियो बनाएंगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज दैट इंसिडेंट अच्छा गाइस सिक्सटी नेशनल फिल्म अवार्ड भी आपके इस साल हुए थे ये है लिस्ट ठीक है बेस्ट फीचर फिल्म आ, सूरा राई पोत्रू को दिया गया है तमिल लैंग्वेज की बेस्ट डायरेक्शन बेस्ट पॉपुलर फिल्म तो हमारे काम की तो इसमें एक ही है बॉलीवुड वाली दैट इज तानाजी बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट वॉज दिस ठीक है तो ये देख लेना और ये देख लेना दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट रेस्ट टू यू कैन स्किप ओके बेस्ट एक्टर इंपॉर्टेंट है ठीक है और बेस्ट एक्ट्रेस आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजय देवगन को भी इसमें अवार्ड दिया गया है तो लुक एट दी अवार्ड लिस्ट ऑल्सो हां हां स्वाति मालेवाल आई गॉट इट नाम नहीं याद आ रहा था मुझे मूविंग ऑन नेक्स्ट वन अरुन इंडिया फोर्टी एंड अंडर सेल्फ मेड रिच ऐसा आदमी जिसे बाप का पैसा ना मिला हो खुद से वो कुछ बना हो तो हुरोन इंडिया फोर्टी एंड अंडर की जो सेल्फ मेड रिच लिस्ट है उसको निखिल कामत ने टॉप किया है कहां के हैं निखिल कामत यानी कौन सी कंपनी को हेड करते हैं ओला ओयो पेटीएम जिरोदा ऋतिक मिश्रा सिंह जिरोदा सो वी विल गो विदा एब्सोल्युटली करेक्ट तो निखिल कामत ने इस लिस्ट को टॉप किया है हुरुन इंडिया की 40 निखिल कामत बेसिकली जिरोदा ग्रुप को हेड करते हैं तमिलनाडु एंड विच स्टेट टॉप द डेस्टिनेशन फॉर फॉरिन कंट्रीज इन दी वन सबसे ज्यादा फॉरिनर्स इंडिया में कौन से स्टेट में विजिट करके गए थे न्यू दिल्ली मत करके आना आई नो न्यू दिल्ली में कुतुब मीनार पे बहुत सारी जगहों पे फॉरिनर्स हमको बहुत दिखते हैं बट द करेक्ट आंसर इज नॉट न्यू डेली गुलनावी आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट येस योर आंसर इज करेक्ट द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा फॉरिनर्स ने अगर कहीं पे विजिट किया था सबसे ज्यादा टूरिस्ट फॉरिनर्स कहीं पे आए थे दैट वॉज तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र ठीक है आ, स्टैटिक एक पॉइंट है वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है आपका वो 27 सितंबर को बनाया जाता है इस साल का थीम था रीथिंक टूरिज्म ओके खत्म हो गए क्वेश्चंस चलो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन टूडेज सेशन जल्दी से बता दो सेशन आपको कैसा लगा जो भी हमने डिस्कस किया समझ में आया कि नहीं आया नाउ uh, सिंस uh, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी अबाउट दिस स्टडी आई क्यू जुडिश्री महापैक की मैम व्हाट इज दिस एग्जैक्टली तो देखो जुडिशरी बेसिकली है आपका जो कि बनाया गया है अगर एक से ज्यादा स्टेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो यानी अभी यूपी दे रहे हो आगे एमपी आएगा हरियाणा आएगा आपका राजस्थान आएगा इनमें से भी किसी स्टेट के लिए आपको अपेयर करना है तो द बेस्ट वुड बी कि यू कैन गो फॉर दी स्टडी आई क्यू जुडिशरी महापैक रीजन देखो अगर इसमें हम आ, एमपी में पूछे जाने वाले लॉस की बात करें या जैसे यूपी में जो आपके लॉस पूछे जाते हैं दिल्ली में जो लॉस पूछे जाते हैं आर्बिट्रेशन हो गया ठीक है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है सेक्सुअल हरासमेंट आपके रेंट लॉज आपका जूर राजस्थान के जो रेंट लॉस पूछे जाते हैं आपके उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो लॉज हैं यूपी के जो लॉज हैं लीगल करंट अफेयर्स है जीके है दिल्ली का रेंट एक्ट कॉपीराइट एक्ट ठीक है हिंदी जहां पे आती है पंजाबी जहां पे पूछी जाती है जैसे पंजाब का जो स्टेट है ठीक है उसके बाद आपके गुजरात के जो लॉज हैं करंट अफेयर्स हैं सारी चीजें आपको एक ही में मिल रही हैं सारी चीज़ें 16 स्टेट्स जिनकी तैयारी करवाई जाती है 16 स्टेट्स भारत के जहां पे जुडिश्री का एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उन 16 स्टेट्स का पूरा मटेरियल आपको एक ही कोर्स में दिया जा रहा है यानी किसी भी स्टेट की वैकेंसी आएगी आपके पास मटेरियल तैयार रहेगा आपको भागने की जरूरत नहीं है कि यार जब एम पी आए तो ठीक देखो क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स होता है ना सभी पढ़ाते हैं मेजर सब्जेक्ट्स हर जगह पढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो सारे जुडिशरी एग्जाम्स में सेम होते हैं दिक्कत हमको कहाँ पे आती है दिक्कत हमको ये आती है कि यार माइनर लॉज हर कोई नहीं पढ़ाता जब तक वेकेंसी नहीं आती ठीक है अब अगर आप तैयारी कर रहे हो एमपी की आपको देना ही है एमपी जब दो से तीन महीने में एमपी आएगा तो हमें वैकेंसी की वेट करने की जरूरत नहीं है ना कि जब वैकेंसी आएगी तब कोई हमको एमपी के लोकल लॉज पढ़ाएगा तब हम तैयारी करना चालू करेंगे दैट इज नॉट हाउ जुडिशरी वर्क दैट इज नॉट हाउ जुडिशरी की तैयारी करी जाती है हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए क्योंकि हमको पता है अगले दो तीन महीने में ये स्टेट्स वेकेंसी लेके आएंगे राजस्थान आएगा दिल्ली आएगा एमपी आपका आएगा हरियाणा आना है बिहार आपका आना है ठीक है तो जब तैयारी हमें पहले से करने को मिल रही है स्टेट हमें स्टेट लॉज लोकल लॉज माइनर लॉज मेजर लॉज सब कुछ अगर हमें पहले से मिल रहे हैं जहां जीके है हमें जीके मिल रहा है अब जैसे राजस्थान में हिंदी पूछी जाती है तो हिंदी यहां पे आपको दिया जा रहा है ठीक है जीके हो गया इंग्लिश है कंप्यूटर है सारी चीजें अगर हमको यहाँ पे मिल रही हैं, प्लस एक और दिक्कत जो कि आपको फेस करनी पड़ती है जब वेकेंसियां आएंगी अब जैसे आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ यूपी की तैयारी कर रहे थे आ गई वैकेंसी अब पहले छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज परचेस करो फिर यूपी की टेस्ट सीरीज परचेस करो आगे क्या हो गया हरियाणा आएगा हरियाणा की परचेज करो एमपी की करो उसके बाद दिल्ली की करो राजस्थान की करो तो भाई क्यों इतने पैसे उड़ाने अलग अलग जगह जाके

तो उससे क्या होता है प्राइस कम हो जाता है डिलीवरी फीस ऑफ हो जाती है तो यहाँ फीस नहीं ऑफ होगी जैसे ही आप ए आर जे कोड अप्लाई करोगे यानी मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर आपको लगाने हैं ए आर जे ठीक है जैसे ही लगाओगे यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कोर्स कितने का हो गया सोलह स्टेट्स की तैयारी करवाने वाला कोर्स सिर्फ और सिर्फ चौदह हजार नौ सौ निन्यानवे में मतलब जितने स्टेट्स हैं उतना तो इसका प्राइस भी नहीं है एक स्टेट की तैयारी आपको हजार रुपए से भी कम की पड़ रही है 14,999 यानी 15,000 में 16 स्टेट्स का पूरा मटेरियल दो साल के लिए अगर आपको लेना है सेम कोड अप्लाई करके यू कैन टेक इट फॉर टू इयर्स आल्सो 17,499 में आपको दो साल का भी मिल जाएगा बस ये कोड लगाना मत भूलना अगर ये कोड नहीं लगाओगे तो कोर्स महंगा परचेज हो जाएगा फिर बाद में मत बोलना कि मैम हमें नहीं पता था कोर्स इतने का है हमने तो महंगा खरीद लिया प्लस अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट वन स्टेट ठीक है क्या आपको देखना ही नहीं है बाकी स्टेट्स की तरफ ठीक है कब तक चलेंगी संडे तक चलेंगी अगर आप एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हो एक ही स्टेट को टारगेट कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर दी स्मार्ट कोर्स अलग अलग स्टेट वाइज कोर्सेज भी हमारी वेबसाइट पे बनाए हुए हैं यूपी का अलग है एमपी का अलग है छत्तीसगढ़ का अलग है ठीक है वहां पे आपको एक स्टेट का पूरा मटेरियल मिल जाएगा ओनली इन द प्राइस ऑफ टेन थाउजेंड फोर नाइन नाइन बट स्टिल आई वुड से कि भाई एक स्टेट जहां दस हजार में मिल रहा है उससे बेटर ये ना है कि हम सोलह स्टेट की तैयारी कर, कर ले पांच हजार एक्स्ट्रा खर्च करके बस ठीक है बट अगेन द कॉल इज योर्स ओके, okay. शाम so शाम को मैं आपसे। का सेशन मिस मत करना, क्योंकि आज जो हमारा IPC होने वाला है, उसमें वी वी तो section number 299 से 300 तक के जो सेक्शन हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे रैपिड रिविजन में शाम को सात बजे आरजेएस की वैकेंसी इज एक्सपेक्टेड टिल फेब्री नहीं तो मार्च एंड तक ठीक है वीडियो बनाया हुआ है यू कैन वॉच दैट वीडियो उसमें सारी चीजें बताई गई हैं चलो गाइस थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन लाइव सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ओके सो एल सी यू गाइज इन द इवनिंग टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय